हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आप लोगों के डिमांड पर पर्टिकुलरली अपकमिंग सेशंस को देखते हुए, जो भी आपके अपकमिंग इंटरव्यू एग्जाम्स उनको देखते हुए, हम लोगों ने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए कुछ अलग सा लेकर के आने के लिए, जिससे आपका अपकमिंग इंटरव्यू सेशंस में मैक्सिमम आपको हेल्प मिल सके। किस तरह से क्वेश्चंस आप लोग घुमाए जाते हो, फंसाए जाते हो क्वेश्चंस में, क्या टेक्निकल टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, क्या होता है कि एक्चुअली में इंटरव्यू, उसका फील कराने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। जनरल से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपसे पिकअप किए जाएंगे, कैसे आप उनको पकड़ोगे, कैसे उनको एक्सप्लेन करोगे, कैसे आपको पर्टिकुलरली कोई भी जो आपके सामने एग्जामिनर बैठा हुआ है वो कैसे आपको फंसा सकता है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो आज मैं सबसे पहले आपके सामने एक बेसिक सपाट लेकर के हाजिर हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइसेल्फ, नेम सुमित प्रजापति, गेट और पीएससी में टीचिंग करता हुआ आ रहा हूँ 5 साल से। केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और आईपीसी सब्जेक्ट में कवर करता हूँ। जो भी प्लस के डिजायरेबल कैंडिडेट हैं, जो चाहते हैं प्लस परचेज करना चाहते हो, प्रैक्स 100 कोड मेरा आप यूज कर सकते हो, उस कोड के थ्रू आपको मिलने वाला 10% का ऑफ। और अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली कि जब मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, प्लस के अंदर कोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो प्लस के अंदर क्या बेनिफिट्स निकलते हैं आपके, क्यों यूज करना होगा। सबसे पहले आपको मिलता है लाइव क्लासेस के अलावा आपको मिलता है वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन और क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपको मिलता है एट द लास्ट ऑफ द सेशन, मतलब कि आपका जब सेशन एंड होने वाला होगा अक्टूबर नवंबर, उस टाइम में आपको मिलेगा पूरा का पूरा वीक जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक आपका टेस्ट होगा। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके अरेंज किए जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज अवेलेबल होगा। हम लोग ऐसा ट्राई करके इस पर चल रहे हैं। अगर आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक के अंदर जो आपको मिलता है दैट इज द पर्सनल कोच, जो कि आपको लगातार हेल्प करेगा आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, जहां पर आप गलतियां करते हो उनको एम्फसाइज करने के लिए, और किस तरह से प्रिपरेशन का एक मोड रखना है वो सारा का सारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपका पर्सनल कोच और मेंटर। इसके अलावा जो बेस्ट थिंग वो निकल करके आती है दैट इज द पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले आपको नोट्स, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको निकल करके आएगा। और पीडीएफ जितना भी आपका होगा वो एक्सपर्ट के थ्रू डिजाइन किया हुआ पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्टिकुलरली जो प्लस के प्लान से, प्लस के लिए आपको जो पे करना रहता है, आप 1 साल का, 1.5 साल का या 2 साल का कोई भी कोर्स नॉर्मल परचेज कर सकते हो। 1 साल के लिए आपको जो पे करना होता है दैट इज एक नॉमिनल कॉस्ट होती है, जो कि किसी भी एक स्टैंडर्ड क्लास का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उससे बहुत ही कम है। 27,225 रुपीज केवल आपको पे करना होगा, दैट इज एक्सक्लूडिंग 10% उसमें से हम लोगों ने क्या कर दिया है, आपका ऑलरेडी ऑफ कर दिया है, तब आपको इतना कॉस्ट जो है ना वो पे करना होगा। आप मंथली लेना चाहते हैं, आप वन टाइम चाहते हैं, आप उसको इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपका आइकॉनिक के प्लान की, तो आइकॉनिक में आपको 1 साल और 2 साल का परचेज मिलता है केवल, तो कोई भी आप परचेज कर सकते हो, इसको भी आप मंथली कर सकते हो, इसको भी इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, या इसको भी वन टाइम पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो मेरे को आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मेरा एक और कोड जो कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ स्पेशल क्लासेस के दौरान, दैट इज SKP100, आप इस कोड के थ्रू भी बुक कर सकते हो और इसके थ्रू भी आपको 10% का ही ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरा कोई भी कोड आप यूज करोगे उससे आपको 10% का ही ऑफ मिलेगा केवल, ठीक है ना। और जो मेरे को आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे को फॉलो करना आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन सीरीज के लिए नॉर्मली मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हो, कहीं पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो मेरे को आप फॉलो करना अगर स्टार्ट कर देते हो, तो जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप इन्जॉय कर सकते हो, जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बेस्ट चीज ये कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में भी आपके टॉप फैकल्टीज जो है वो अवेलेबल हैं अपने कंटेंट के साथ में। और नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ कि आपका न्यू बैच जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उस पर सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वो पर्टिकुलर फ्लूइड मैकेनिक्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिविल एंड मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा प्लस। और प्लस में ही कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका 17th of March शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपका रिजल्ट का टाइम आ चुका है, तो बस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ भाई अपने यहाँ सेशन के बारे में। तो जो मैं सेशन आज लेकर के आया हूँ आपका पर्टिकुलरली जो इंटरव्यू सीरीज है, इस इंटरव्यू सीरीज से बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। सर हम लोग तो जितना पढ़ते हैं ना उतने से हम लोग को भला हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा। तो जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, किस तरह का क्वेश्चन राइज होता है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज मैं फर्स्ट लेक्चर पहले लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हो, इंटरव्यूअर के सामने अगर आप बैठे हुए हो, तो अब ये डिपेंड करने वाला है कि अल्टीमेटली आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है,
आज मैं केवल आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप रिस्पॉन्स करने वाले हो और क्या आपके सामने डिफिकल्टीज आ सकती हैं। जल्दी से क्विकली हम लोग को सुनते हुए चलना है। तो इंटरव्यू टाइम पे क्या क्या आपके साथ में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि ये डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किसका देने जा रहे हो, ठीक है ना। आप नॉर्मली गेट क्वालिफाई करने के बाद किसी PSU का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप IOCL का, BPCL, SPCL, GAIL, ONGC इनका इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर नॉर्मली आप किसी एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज में कोई कंपनी रिक्रूट करने के लिए आई हुई है और आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर नॉर्मल आपने किसी एक अदर देन गेट अदर देन PSUs आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया, सपोज मान लीजिए BARC, ISRO, ठीक है ना, CPCL, इसके अलावा पर्टिकुलरली MRPL कोई भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, विजाग स्टील, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर कैसे क्वेश्चन आपसे राइज हो सकते हैं। तो पहली चीज तो दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए किस इंडस्ट्री का, किस ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ये है इंटरव्यू के दौरान। तो सेकंड चीज आपके दिमाग में जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि नॉर्मली जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके सामने राइज होने वाले हैं भाई वो कैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने उसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। सबसे पहले आपके पास में क्या आने वाला है कि अगर आप कॉलेज का या फिर नॉर्मली अदर देन PSU अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर जो फर्स्ट थिंग आएगी आपके पास दैट इज द डिस्कशन ऑफ CV। जितना भी आपने डिटेल CV में लिखा हुआ सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे आपसे, जनरल आपका एक बायोडाटा अब वो आपसे पूछेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, टेल मी समथिंग अबाउट yourself, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास राइज होता है हमेशा मैक्सिमम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। सेकेंडली आपके पास जो आएंगे क्वेश्चन आएंगे HR लेवल क्वेश्चन, आप भाई वुड डू यू लाइक टू ज्वाइन अवर कंपनी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है, दीज आर HR लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। हाउ कुड यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ नेक्स्ट 3 months और नेक्स्ट 5 years, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 3 महीने के बाद या 3 साल के बाद आप खुद को इस कंपनी में कहां पर देखना चाहते हो, दीज आर द HR लेवल क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिपेंड करते हैं आपके केवल और केवल IQ पर, कि पर्टिकुलरली आपके अंदर कितना विलिंग है, कितना आपके अंदर विल है उस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो इन क्वेश्चन का जवाब बहुत ही चालाकी के साथ में और बहुत ही फेयर फॉर्म में देना होता है, कुछ भी आपको मैनिपुलेट या झूठ बोलने की नीड नहीं है। आप जितना ज्यादा एक फेयर रहोगे, जितना ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहोगे, उतना ही ज्यादा सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो HR क्वेश्चन के अंदर कैसे आपसे पूछा जा सकता है, वो एक्चुअली आपका एक IQ लेवल और आपका ये चेक करेंगे कि वास्तव में आपको इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है या सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस लेने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, उसका धीरे से आप निकल लोगे, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली आपका एक इंटरेस्ट चेक करने का एक नजरिया होता है HR क्वेश्चंस के थ्रू। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हम लोग के हाथ पैर कांपते हैं, वो आता है आपका टेक्निकल क्वेश्चंस। यहां पर अपने पास क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट का जो पैनल बैठा होता है, पूरा का पूरा एक्सपर्ट पैनल में सारे के सारे मेंबर्स होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा मेंबर टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन सा HR का पर्सन है और कौन सा नॉर्मल एक आपका इंडस्ट्री का डायरेक्टरेट या फिर मैनेजर, ठीक है ना, या फिर VC, कोई भी आपका वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कोई भी आपका बैठ सकता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा जो पैनल होता है, उस पैनल के थ्रू क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके आने वाले होते हैं। इसका 3rd क्वेश्चन जो आएगा वो एक्सपर्ट जो आपका बैठा होगा, एक्सपर्ट कहीं का भी हो सकता है, वो अगर आप PSU की बात अगर कर रहे हो तो PSUs के पर्टिकुलरली जो बॉडीज होती है, जो R&D सेक्टर्स होते हैं, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, नॉर्मली वो एम्प्लॉयज आपके एक्स प्रोफेसर्स या फिर एक्स सीनियर कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि नॉर्मली आपके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने के बाद में पैनल में बैठे हुए होते हैं, R&D सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन जो आने वाला है बिल्कुल हवाई क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा और ऊपर से निकलेगा, नहीं, उनको पता है कि आप सिंपल से ग्रेजुएशन डिग्री करके आए हुए हो तो क्वेश्चन आपके वहीं से राइज होते हैं। तो अगला पार्ट आता है टेक्निकल क्वेश्चन का, अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, टेक्निकल क्वेश्चन का पार्ट आता है। अब बात ये आती है कि नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, जो HR क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो HR क्वेश्चंस का मैंने क्या बोला, ये तो IQ बेस्ड होगा, ओरल आपका फेस टू फेस एक इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें नॉर्मली बाय चांस अगर आपसे थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्किल्स के बारे में पूछा सकता है कि पर्टिकुलरली कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली तो किस तरह से वो ऑपरेट करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कैम कैट का इस तरह का अगर नॉलेज है तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो बेस्ट आपके पास पार्ट आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि जहां से आपकी पकड़ बनेगी, जहां से आप खुद को प्रूव कर सकते हो, बहुत से स्टूडेंट के अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल वीक होती है, ठीक है ना, तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अगर वीक है तो भी आप खुद को प्रूव कर सकते हो बाय द दिस सेक्शन टेक्निकल क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है ना। तो अगर ये वाले पार्ट में अगर देखो एक्चुअल ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, बीटेक करके जा रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल
लिटिल बिट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, एक्सीलेंट कोई नहीं बोलेगा, लेकिन लिटिल बिट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात को कन्वे कर सको सामने वाले तक, ठीक है ना। अब आपकी पकड़ कहां पर आएगी, टेक्निकल क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम जो आपके पास मार्क्स गेन होने वाले हो यहां से गेन होने वाले हैं अल्टीमेटली, तो यहां पर आपके पास क्या होता है टेक्निकल क्वेश्चंस के, नॉर्मली जो रिटन आपने क्वालिफाई कर लिया वो सर आपका साइड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है ओरल इंटरव्यू। तो ओरल इंटरव्यू के अंदर जो आपसे पूछा जाने वाला है, देखो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, पूछा जाने वाला दैट इज द एकेडमिक कोर्स सब्जेक्ट क्वेश्चन, आपके जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए क्वेश्चन आपके वहां से राइज हो सकते हैं, पहला पार्ट तो ये हो सकता है, ठीक है ना। उसमें आपसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच आर योर फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें से टेल मी समथिंग एटलीस्ट टू और थ्री फेवरेट सब्जेक्ट आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। तो उसमें आपको ये बता रहा होगा कौन सा सब्जेक्ट आपके फेवरेट है। भैया क्वेश्चन आपके फेवरेट सब्जेक्ट से अगर राइज होना स्टार्ट होगा, चाहे आप पीएसयू के लिए बैठे हो, चाहे आप बार के लिए बैठे हो, चाहे आप इसरो के लिए बैठे हो, चाहे डीआरडीओ के लिए बैठे हो, और चाहे आप नॉर्मल किसी भी नॉन पीएसयू के लिए बैठे हो, क्वेश्चन जो आपका राइज होता है वो पहला क्वेश्चन अगर आपने यहां से पूछा गया आपसे, तो क्वेश्चन वो आप यहां राइज करना स्टार्ट करेंगे। अगर उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपसे अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछे, तो क्वेश्चन आपका अगला राइज होता है जो आपने ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को बहुत हल्के में लेते हैं। नॉर्मली ये लोग बोलते हैं कि थीसिस है, नॉर्मली बाइंडिंग करा करके जमा कर दिया, क्या लेना देना नहीं। ग्रेजुएशन में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आपको वास्तव में कुछ फील करना है, ठीक है ना, अगर अच्छा प्लेसमेंट आप चाहते हो, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जितना भी आपने काम किया, जितना भी आपने स्टडी किया है, उसका एक डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वह आपके क्वेश्चन यहां से भी राइज होते हैं। थर्ड आपके पास जो आता है वो आता है प्लांट इक्विपमेंट, पर्टिकुलरली जितने भी प्लांट के इक्विपमेंट्स होते हैं। सपोज मान लीजिए आप आईओसीएल की बात करने जा रहे हैं, तो आईओसीएल के अंदर बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द डिस्टिलेशन टावर एंड एक्सचेंजर, सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है। फिर आपके पास जो आ जाएंगे पंप में, ये तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इक्विपमेंट जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो आपसे यहां से क्वेश्चन राइज करना पूछेंगे। अगर आपसे अगर इन्होंने ये दो चीजें अगर नहीं पूछी, तो प्लांट के जो इक्विपमेंट है पर्टिकुलरली, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। और थर्ड आपके पास आता है फील्ड एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जो आपने समर ट्रेनिंग किया हुआ है वहां पर। भैया क्यों बोला जाता है समर ट्रेनिंग, अच्छे से करो, देखो चीजों को, फील कर लो, रियलाइज करो, समझने का ट्राई करो कि अल्टीमेटली आपने जो समर ट्रेनिंग किया था वो भी केवल हवा हवाई टाइम पास था, या आपने कुछ वहां से गेन किया है, तो आपके पास क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन जो भी आप समर ट्रेनिंग कर रहे हो वो एक अच्छी इंडस्ट्री से करो, ठीक है ना, जिससे कि आपके पास मैक्सिमम चांसेस हो नॉलेज गेन करने के। इसके बाद लास्ट आता है आपका कंपनी एंड इट्स इंडस्ट्री, मतलब कि जिस कंपनी का आप देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे से, वहां पर मतलब कि पर्टिकुलरली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज मान लीजिए कॉन्टिनेंटल कार्बन में आप देने जा रहे हो, ठीक है ना, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप का आप कार्बन जो आपका इंडस्ट्री वहां पर आप देने जा रहे हो, कहीं पर भी अगर देने जा रहे हो, या फिर किसी एक पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर देने जा रहे हो सपोज मान लो, ठीक है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉलीमर मतलब थ्रेड का वहां पर फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे वो बनते हैं, उसका एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। इतने कुल मिलाकर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पर अब ये डिपेंड करने वाला है कि आप किसका इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर पीएसयू के देने जा रहे हो, तो पीएसयू के लिए बेसिक जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं वो आने वाले हैं इन तीन सेक्टर से, ठीक है ना। अगर आप डीआरडीओ या बार का देने जा रहे हो, तो भैया बार के अंदर जो सबसे बड़ा काम आएगा ना, वो केवल आपसे ये दो चीजों से पूछेंगे, केवल दो चीजों से पूछेंगे। पहले सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे टेल मी समथिंग योर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट एनी ऑफ टू और थ्री। जैसे ही आपने दो या तीन सब्जेक्ट का नाम बोला, सब्जेक्ट आपको ऐसे बोलने हैं और क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे देने कि सामने वाला बैठा वो बंदा आपको बहुत ज्यादा डीप तक न ले जा पाए और आपको क्वेश्चन में घुमा ना पाए। जैसे ही आप उनको हिंट दोगे ना, नॉर्मल सा आपने क्वेश्चन कोई भी अगर सपोज मान लीजिए पिकअप आपके सामने होता है, जैसे ही आप उनको हिंट दोगे वो आपसे उसी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ही आपने उसका आंसर दिया, आप जो आंसर कर रहे हो अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है आपको, कुछ भी इस तरह के आपको वर्ड यूज नहीं करने जिसका मतलब आपको पता ना हो या फिर पर्टिकुलरली उसका आपको नॉलेज ना हो, ठीक है ना। सपोज मैंने थर्मोडायनेमिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया थर्मोडायनेमिक्स में, या फिर आप कोई भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस बता रहे हो, सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन प्रोसेस आप उनको बता रहे हो, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आप सिंपली बोलते हो कि विद द हेल्प ऑफ द लिक्विफेक्शन और जूल थॉमसन इफेक्ट। जैसे कि आपने बोला जूल थॉमसन, अच्छा जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है बताओ मेरे को बेटा जरा, आप तुरंत उसको बताना एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, फिर वो आपको घुमा करके ले जाएंगे पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वहां पर एंथैल्पी एंट्रोपीज, ठीक है ना, पूरा का पूरा वो आपसे क्या करने वाले, पूछने वाले। तो जितना भी आंसर आपको देना है बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में देना है कि सामने वाले को आंसर पता भी चल जाए और वो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वहां पर क्या करे उसको हिंट ना मिल पाए। अपना रोल ये रहेगा, सामने वाले को अगर आप पॉइंट दोगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे पूछता जाएगा, और जब तक आप फंस नहीं जाओगे, जब तक आप सॉरी सर नहीं बोलोगे, तब तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आज मैंने केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया है कैसे क्वेश्चन आपसे राइज होते हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर के आऊंगा वहां पर पर्टिकुलर किसी न किसी एक सब्जेक्ट का पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। कि अगर इंडस्ट्री के सामने अगर आप बैठे हुए, देखो इंडस्ट्री के अंदर आपसे कोई नहीं पूछेगा डिफाइन समथिंग, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी मेरे बच्चे। पूछा जो आपसे जाएगा वो पूछेगा पर्टिकुलरली किसी भी इक्विपमेंट के अंदर आने वाली प्रॉब्लम, या फिर नॉर्मली जितने भी कॉन्सेप्ट आप करते हो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो उसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल अब बेहतरीन फॉर्म में प्रिपेयर हो जाओ। सीरीज का फर्स्ट लेक्चर आपको पिता से मिल गया, नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर के आऊंगा उसके अंदर एक बेहतरीन क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट और आज इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर सेशन को एंजॉय करो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि आने वाले लोगों को भी पता चल सके कैसे कैसे क्वेश्चन राइज होते हैं और कैसे कैसे आप लोग उसमें पर्टिकुलरली फंसाए जाते हो, ठीक है ना। चलो थैंक यू, एंजॉय योर डे।